मैम एक शौक भी तो है ना, शौक के क्यों जी डीडी है जो सब शौक के तहत तो मैट्रिक में बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाए बगैर किसी बकायदा डिप्लोमा या डिग्री के, आप किसी को ड्रिप इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं? सर वही तो मैं सीखने आई हूँ, सीखती हूँ तो ही है, ये ऐसे तो नहीं है ना। आप कैसे सीख सकती हैं? आप किस डिप्लोमे के तहत सीख सकती हैं? सवाल मेरा ये है कि आपने एफएससी नहीं की, नॉन मेडिकल है आपकी, आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, उसके बाद कौन सा सर एफएससी के बगैर कौन सा डिप्लोमा जो एफएससी के बगैर भी होता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शौक हो तो एफएससी आपको दोबारा से एफएससी के पेपर दे दें, मेडिकल से आप चले। मैंने बायो भी साथ की थी, मतलब कैसे की? अच्छा ये हॉस्पिटल किसका है? भाई, भाई का है। इधर आ भाई, ये अभी साहब कह रहे थे कि मेरा कन्फेस किया उसने। यो सर डॉक्टर आते हैं भाई जी, डॉक्टर साहब आते हैं यार, हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना? ये हॉस्पिटल हमारा है, हमारा है, लेकिन डॉक्टर इधर ऑपरेशन करते हैं। मैं काम करता हूं भाई जी, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहां पे, हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सा लीगल है आपका तरीका? डॉक्टर वसीम साहब के पास क्या डिग्री है? आपको कंप्यूटर की जॉब दे दे हॉस्पिटल कैसे? लेकिन मैं करता क्या हूं? यानी आप, मैं तो कुछ नहीं करता। आप तो कह रहे थे मैं यहां पे बाजी, मैं कुछ भी यहां पे नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं वो ऑपरेशन करते हैं। आपके जिन्होंने ऑपरेशन ही करा लिखा हुआ, उन्होंने ऑपरेशन क्या करना है? क्वैक्स है ना सारे, कोई पढ़ा लिखा हो तो कॉल इसको। किधर है बंदा? इधर ना की इधर चल शब कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम, आइए बाहर आ जाइए, तशरीफ ले आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। जरा डीडीएचओ साहब को डिग्रीज दिखा दें। आप क्या हैं यहाँ पे? जी मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। क्या हैं, क्या आपके मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं मैं काम, क्या काम करते हो? बस ऐसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब। किधर हैं? किधर हैं डॉक्टर? वो अभी ऑपरेशन करके बिहारी है, हम काल कर देते हैं। यार हमें इतला है कि ये हॉस्पिटल आप चला रहे हो, डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है, डॉक्टर का जैसा आप लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है जी, ये कंफर्म मेरे पास नहीं हो जाए? नहीं डॉक्टर साहब होते हैं, अगर हैं तो अभी बुलाओ उनको, यहीं बुलाओ, अभी बुलाएं जरा, जल्दी कर कुछ और भी इनका देख लें। ऑपरेशन कहाँ पे किया है? आज ऑपरेशन थिएटर भी दिखाओ, इसे साइन करवाओ, इसको ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मंसूर डीडीएचओ एमएलसी, ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, ये मरीज है। अस्सलाम वालेकुम जी, किस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया? ये वार्ड है। डॉक्टर साहब कौन से थे जिन्होंने ऑपरेशन किया, आप बताएंगे? कौन से डॉक्टर साहब है जिन्होंने ऑपरेट किया? नाम आपको पता है? नाम आपको क्या, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आपकी सिस्टर ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेट हुआ? अच्छा अच्छा, किस डॉक्टर साहब ने किया है नहीं पता? ये हॉस्पिटल किसका है? न्यू बॉर्न बेबी जो है मौजूद है, आप कैमरा जरा फोकस कर रहे हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पर अभी सी सेक्शन यानी कि डिलीवरी का जो है वो बड़ा ऑपरेशन जिसे आम फैम में कहा जाता है वो किया है, और एक दफा सारे वार्ड की हालत भी मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, डीडीएचओ हमारे साथ मौजूद है। क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा होता है जहाँ पर मरीजों को सफाई सुथराई या जो उनकी बेसिक नीड है वो पूरी ना हो, क्या ऐसा हॉस्पिटल होता है? बराबर ये चार पहिया डली हुई है, बेड प्रॉपर नहीं है, सफाई का इंतजाम प्रॉपर नहीं है। आप ऑपरेशन थिएटर की हालत भी हम देख लेते हैं, आपके सामने करेंगे कि जो चीजें हैं क्या इस तरह होता है। मेरा ख्याल है ये भी ऐसे ही डॉक्टर नहीं। सलामकुम, आप यहाँ पर स्टाफ है? बेटा डीडीएचओ एमएलसी डॉक्टर मंसूर, बात सुनो। क्या नाम है आपका? आपकी तो एज बड़ी कम है, क्या एज है आपकी? एज मेरी 25 एज है आपकी। आपने डिप्लोमा कौन सा किया हुआ? मैं यहाँ पे कोर्स करने आती हूँ। और कहाँ से आती हैं? मैं शतानिया से ही आती हूँ, काम सीखने आती हूँ। काम सीख रही जी बिल्कुल। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बायो होना उससे आपका मेडिकल का प्रोफेशन कैसे जुड़ गया? बच्चे मैट्रिक में बायो तो मैंने भी पढ़ी, शौक था मैम इसीलिए। शौक पे आकर किसी की जान से खेला जा सकता है? अब ऐसा नहीं है कि मैं, आपने मैथ्स टेट पढ़ा ना, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकती थी, आप कोई भी और काम कर सकती थी, मेडिकल से रिलेटेड आप कैसे कर रही हैं? मैं इसे नहीं जा सकी। एक ऐसा बंदा जिसने पढ़ा कुछ और हो और वो प्रोफेशन कोई और, स्पेशली जो जिंदगियों के साथ जिसमें जिंदगी मौत का सवाल हो, जिंदगी बचानी है। नहीं मैम एक शौक भी तो है ना, शौक के क्यों जी डीडी है जो सब शौक के तहत तो मैट्रिक में बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाए बगैर किसी बकायदा डिप्लोमा या डिग्री के,
आप किसी को ड्रिप इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं? सर वही तो मैं सीखने आई हूँ। ऐसे ये कोई तो नहीं है, आप कैसे सीख सकती हैं? आप किस डिप्लोमे के तहत सीख सकती हैं? सवाल मेरा ये है कि आपने एफएससी नहीं की, नॉन मेडिकल है आपकी, आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, उसके बाद कौन सा सर एफएससी के बगैर कौन सा डिप्लोमा जो एफएससी के बगैर भी होता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शौक हो तो एफएससी आपको दोबारा से एफएससी के पेपर दे दें, मेडिकल से आप चलें। मैंने बायो भी साथ की थी, मतलब कैसे की थी, बायो किसने की थी? जब होती थी मैं आपको पता है बायो प्राइवेट नहीं होती, और बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप अलग से पढ़ लें। मैम देखिए मुझे एक शौक था कि मैं आप पढ़ी लिखी है बायो में भी मैंने ऐसे बैठी रहती थी, लेक्चर वगैरह होते थे मैं पढ़ती थी। ऐसे बैठ जाने से और डिग्री लेने में बड़ा फर्क है। आपके ख्याल में ये डॉक्टर साहब हैं, इनको डिग्रीज छोड़ के शौक के तहत चलना चाहिए? क्या शौक है डॉक्टर साहब आपका? वो तो कुछ भी होगा है ना, हम अब गरीब फैमिली से हैं, अब हम क्या करें? ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन और अपनाइए, लेकिन ये इंसानी जिंदगी का सवाल है। शौक के तहत अगर आपसे कोई बंदा इंसानी जिंदगी कोई जाया हो जाए फिर क्या शौक रहेगा? शौक में और तजुर्बे में फर्क होता है, शौक में और डिग्री में फर्क होता है। आपको चांद पे जाने का शौक होगा, क्या शौक के तहत आप चली जाएंगी नासा में? क्या करती हैं आप? ये शौक नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। तो हम सीख के ही करेंगे, सीख के कैसे करेंगे? डॉक्टर तो इजाजत आपको बगैर डिग्री के नासा में कुछ जाने देगा? आपको बगैर मेरी बात सुन ले, आपको बगैर डिग्री के आप शौक के तहत ये कोई ड्राइविंग तो नहीं सीखनी जो शौक के तहत आ गई, ये कोई आपने एसी तो नहीं ठीक करना जो मैकेनिकल काम कोई भी शौक के तहत आ गया, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी बनना है जो शौक के तहत आ गया। ये पकायदा में न्यू न्यू आई हूं, मुझे आप न्यू में भी आपकी स्टडीज नहीं है, आप न्यू में भी इस प्रोफेशन में न्यू नहीं आ सकती। पहले बेटा कोई डिप्लोमा करना होता है, उसके बाद आना होता है। आप पहले जाएं कॉलेज से, प्रॉपर डिप्लोमा स्टडीज लें, इसकी डिग्री लें, एफएससी करें, आप अपना अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो पूरी करें, उसके बाद आप इस तरफ आए। अच्छा ये हॉस्पिटल किसका है? भाई। भाई का है? इधर आ भाई। ये अभी साहब कह रहे थे कि मेरा कन्फेस किया उसने। डॉक्टर आते हैं भाई जी, डॉक्टर साहब आते हैं यार, हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना भाई? हॉस्पिटल हमारा है, हमारा है, लेकिन डॉक्टर इधर ऑपरेशन करते हैं। मैं काम करता हूं भाई जी, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहां पे, हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सा लीगल है आपका तरीका? डॉक्टर वसीम जी का मैं स्टैंड है, आपको कंप्यूटर की जॉब दे दे हॉस्पिटल कैसे? लेकिन मैं करता क्यों हूं? यानी आप, मैं तो कुछ नहीं करता। आप तो कह रहे थे मैं यहां पे बाजी, मैं कुछ भी यहां पे नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं वो ऑपरेशन कर। आपके दो मतनाज़े बयान है, कट्ठे रख के चलाऊं किस चीज के? अभी आप कह रहे थे मैं जॉब करता हूं, लेकिन जो भी है, लेकिन हम ऑपरेशन मैं तो नहीं करता ना, कोई काम हम लगाई है सारी जी। ड्रिप इंजेक्शन कौन लगा? ये डॉक्टर साहब लगा के गए, सब खुद लगाते हैं। डॉक्टर साहब कौन से हैं जो मैं जिस जगह पे जाती हूं डॉक्टर ऐसा कोई हवाई पुतला है कि ड्रिप लगाता है और निकल जाता है, पेशेंट को पीछे कुछ भी हो जाए? अल्लाह का शुक्र वो ऑपरेशन करके गए। आपका भी मैं सारा लीगल तरीका, ऑपरेशन थिएटर का भी DDHS आपको दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो आप बड़ा हंस रहे हैं, मजाक नहीं है। नहीं नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो बात सही कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बंदा है और ये हॉस्पिटल इसका है, डॉक्टर को इसने हायर किया हुआ है, उसको ये पैसे देते हैं, वो आता है ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उस डॉक्टर की कार्रवाई है। लेकिन डॉक्टर साहब का बोर्ड है, यानी कि वो पैसे होना जरूरी है? नहीं बाजी, वो खुद ऑपरेशन करते हैं, वो इधर ही होते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं बाहर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बोर्ड लगा लें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस बन जाएगा। यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पीछे कौन संभालता है तो? मरीजों को कौन संभालता है? लेकिन बाजी आपका डॉक्टर भी आ ले, उसको ऑपरेशन थिएटर में पकड़ के ले जाएंगे साथ की, इस तरह से ऑपरेशन होते हैं। आ जाए आगे देखते हैं जी, ये एक और वार्ड है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपका? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? पहले ऑपरेशन हुआ था बच्चे का। अच्छा आप क्या हुआ? अभी वो पहले वाला ऑपरेशन जो है वो ले। अच्छा वो ऑपरेशन खराब हो गया। अभी आप यहाँ पर आए हैं, कितने पैसे दिए हैं यहाँ पे? 10,000। एनवायरनमेंट में सरकारी में फ्री हो जाता है भाई। आप यहाँ पे क्या हुए? डॉक्टर मंसूर, DDHO मेलसी। मैं सर ऑपरेट करवाया। किसने ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब? इसने तो नहीं किया, ये जो खड़ा हुआ किधर गया? नहीं नहीं ये क्या है यहाँ पे? इसका हॉस्पिटल है ना ये? सच बोलो, खुदा को जान देनी, क्यों गलत बयान नहीं करते? इसी का हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बाहर से आते हैं ऑपरेशन करके चले जाते हैं। इट्स अंडरस्टूड। ये क्या है पीछे इधर? ऑपरेशन थिएटर है ये? जिन्होंने ऑपरेशन ही करा लिखा हुआ, उन्होंने ऑपरेशन क्या करना है? क्वैक्स है ना सारे, कोई पढ़ा लिखा हो तो। खोलो इसको, किधर है बंदा? इधर ना की इधर चल शब्द खोल। आपका नाम क्या है? समीना। आप क्या है यहाँ पे? मिडवाइफ है, ठीक है आ जाए जरा ओटी आपको मैं दिखाएं। आज आपने कहाँ से मिडवाइफ की है? कहाँ से किया आपने कोर्स? नर्सिंग काउंसिल से किया। तो फिर तो आपको बुनियादी चीज़ों का, SOPs का, हर चीज का पता होगा। हाँ जी पता है। आ जाए जरा विजिट करवाएं। आ जाओ OT में। हाँ जी
क्या किसी भी ऑपरेशन थिएटर की हालत ये होती है जहाँ पे आप लोगों को कोर्स करवाया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है? ऑपरेट करके निकले डॉक्टर साहब, ये एसओपीस के मुताबिक है। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन थिएटर का बेड है, ये उसकी शीट है, ये उसकी लाइट्स है। क्या है यहाँ पे? ये ऑपरेशन थिएटर है क्यों? किस मरीज को ऑपरेट करके गए अभी? दोनों के अभी हुए ऑपरेट। क्यों भाई, कितने? आधा घंटा हो गया तकरीबन। एक आधा घंटा तो हमें हो गया यहाँ पे सर, एक घंटा हो गया अभी ऑपरेशन हुए दोनों। ये हालत जो इस वक्त इस कमरे की है, इसको स्टोर रूम कहते हैं या ऑपरेशन थिएटर कहते हैं? इस टाइम तो ऐसी हालत होनी थी। कैसे? आपने कभी किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा? अगर आपने कोर्स किया है तो किसी का नहीं देखा आपने? ये देखो यूज सिरिंजें पड़ी हुई हैं। आप लोग लोगों की जानों से खेल जाते हैं। ये जो हालात हालात और जो ये देखिए कहाँ पे, मुझे बताएं कि स्टरलाइज कहाँ पे होती है? ये चीजें इधर आइए जरा, कहाँ पे होती है? इस गंदे पानी में? मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं? बुनियादी चीजों का पता, उसकी लाइट्स का है, उसका सारा इक्विपमेंट का है, सफाई का इंतजाम देखो। क्यों सर ये है? इसकी क्या एसओपीज होती है ऑपरेशन थिएटर की? क्या होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर? ये तो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। तुम यहाँ के ऑनर हो, तुम्हें तो पता होगा। डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्योंकि मरीज अभी दो ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, ये ताजे ऑपरेशन हुए हमने, यानी कि कोई अंदर काम तो नहीं किया ना। ये नीड्स वगैरह लाइट्स का है। इसकी ऑपरेशन करते हुए किस मरीज की वेन कट जाए आपको अंदाजा भी है इस चीज का? आपको ऑटोक्लेव का पता है? हाँ जी है। इसको नहीं पता ऑटोक्लेव का? किधर है ऑटोक्लेव? कहाँ पे आप स्टरलाइज करते हैं सब चीजें? पढ़ाई किधर पढ़ा है? दिखा दे तो कहाँ दे सुन। अब तुम्हें पता चला ऑटोक्लेव क्या होता है? ले आओ इधर, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर। ये किस चीज के इंजेक्शन है? ये जी ब्यूपिकन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट में यूज होते हैं वो पहले यहाँ स्टरलाइज होते हैं, कपड़े तक यहाँ स्टरलाइज होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने कुछ स्टरलाइज की है, मुझे वर्किंग कंडीशन में भी नहीं लग रहा। हालात तो इसके वाकई बहुत बुरे हैं। ये देखिए ब्लड जमीन के ऊपर, ये सकर मशीन देखिए, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स देखें, पानी में ग्लव्स देखें डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं है। और ये है वो, मुझे कोई ग्लव है तो जरा दें, ग्लव्स दें। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट सारे जंग आलूद हैं, ये जो पड़े हुए हैं सर ब्लड से भी लत पते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये इंसानी जानों से यहाँ पे खेला जा रहा है। या अल्लाह, यहाँ पर वो नया दुनिया में आने वाला बच्चा जो जिंदगी की पहली सांस लेता है वो इस गंदी जगह पर दुनिया में आके लेता है, और अगर यहाँ से उसको कोई जरासीम लग जाए तो वो जिंदगी की उसकी आखिरी सांस भी हो सकती है। लेकिन इन सफाक लोगों को इससे कोई गलत नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे लेने हैं, माँ और बच्चे की जिंदगी से लेना।